हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में दोस्तों मेन्स अ डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है हर साल ये इनिशिएटिव आता है फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं दोस्तों इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा पारली दोस्तों ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के जहाँ पर पाँच या छः सवाल हर रोज डिस्कस हो रहे हैं आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम पर अवेलेबल है अगर आप मेन्स दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प देना चाहते हैं डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कॉन्टेंट अवेलेबल करवा रहे हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सवाल दोस्तों मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है 108 डेज का ये बैच है राइट right? हंड्रेड डेज में हंड्रेड एंड क्वेश्चन आएंगे रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील करेंगे रोज हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है हमें भेजना है उसको हम चेक करेंगे उस पर फीडबैक देंगे आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे उसका एक वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए राइट इसमें इवेल्यूएशन पीडीएफ ऑफ दी मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ़ दी मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप आ, हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे पर जाइए वहाँ पे आपको ये एक बैनर मिलेगा बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा आ, ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है जहां तक डेट्स का आ, सवाल है डेट्स आपके इस मेन्स आंसर राइटिंग बैच वन के अकॉर्डिंग लगी होंगी राइट कॉस्ट है इसकी टेन थाउजेंड इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जी राइट तो ये मेन्स आंसर राइटिंग बैच चलिए देखते हैं आज का सवाल अब hi everyone welcome to sleepy classes so in today's video we will discuss the question on data localization so the question is what do you understand by data localization do you think blocking of 59 widely used apps links to chinese companies will address the same we will address data localization or the challenges posed by data localization critically analyze सो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमसे डायरेक्टली पहले डेटा लोकलाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि वो क्या होता है तो हमें इंट्रोडक्शन में डेटा लोकलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताना है अगर सिंपली यही क्वेश्चन होता सो यू कैन यू वुड हैव गिवन वन और टू lines अबाउट डेटा लोकलाइजेशन लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पार्ट है डेडिकेटेड टू डेटा लोकलाइजेशन तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि 59 नाइन चाइनीज़ ऐप को ब्लॉक करने से क्या डेटा लोकलाइजेशन अचीव होगा तो आप उसमें येस yes भी लिखोगे आप उसमें नो no भी लिखोगे है ना अब नो no में कंसर्न्स मतलब तो जो कंसर्न्स हैं वो एक तरह से नो no में आ जाएंगे है ना एंड लास्टली यू विल राइट द वे फॉरवर्ड तो ब्रॉडर हेडिंग्स हमारी ये रहेंगी इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ आई होप एवरी वन नोज बट डेटा लोकलाइजेशन इज़ डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जो क्रिटिकल डेटा है जो कंपनीज कलेक्ट करती हैं फॉर इंस्टेंस गूगल और टिकटॉक वेरियस एप्स राइट विदर फाइनेंशियल एप्स हो गई या डिफरेंट एप्स जो आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट करती हैं वो जो डेटा है उसको वहीं स्टोर किया जाए जहाँ पे वो जनरेट हो रहा है मतलब कि अगर इंडिया में जनरेट हो रहा है डेटा तो इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ही डेटा स्टोर किया जाए राइट दैट इज़ व्हाट डेटा लोकलाइजेशन इज़ कि जो डेटा है उसकी स्टोरेज और उसकी प्रोसेसिंग विदिन द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट हो जहाँ पर वो जनरेट हो रहा है राइट सो दैट इज़ वॉट डेटा लोकलाइजेशन इज़ वट हैप्पन्स इज दैट रिसेंटली आर बी आई ऑल्सो सेट कि जो इंडिया में डेटा जनरेट होता है वो इंडिया में स्टोर नहीं हो रहा वो एक क्लाउड डेटा बेस में स्टोर होता है आउटसाइड इंडिया सो देर इज सेंसिटिव डेटा देर इज़ क्रिटिकल डेटा सो द आर बी आई सेट दैट वी नीड टू चेंज द डेटा स्टोरेज लोकेशनज एंड हैंस गो फॉर डेटा लोकलाइजेशन एंड इन फैक्ट चाहे जो भी पॉलिटिकल सर्कल्स में था कि हमने डिजिटल स्ट्राइक लॉन्च करा है एंड यू नो दैट मेजर रीज़न जो दिया गया था यू नो आफ्टर ब्लॉकिंग दीज वेब्स दीज एप्स और uh, जो रीज़न था वो यही था कि क्रिटिकल डेटा का मिसयूज़ हो सकता है जो इंडिया का सेंसिटिव इंडियंस का सेंसिटिव डेटा है उसका मिसयूज हो सकता है राइट सो दैट वॉज द रीज़न अब देखो लोकलाइजेशन कहता है कि जो कंपनीज क्रिटिकल डेटा को कलेक्ट करती हैं उसको स्टोर और उसको प्रोसेस किया जाए विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। सिंपल, दैट इज़ वॉट डेटा लोकलाइजेशन इज एक ब्रूकिंग्स की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने भी ये बोला था कि क्यों जो गवर्नमेंट्स हैं दे वॉन्ट टू लोकलाइज डेटा एक तो जो पर्सनल डेटा है जो सेंसिटिव डेटा है जो क्रिटिकल डेटा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बिकॉज वेन दे आर विद इन योर बॉर्डर्स यू कैन प्रोटेक्ट बेटर अगर लॉ इन्फोर्समेंट को आपके देश की लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए डेटा वो एक्सेस कर सकता है ईजिली अगर किसी और कंट्री में वो स्टोर हो रहा है तो दोनों देशों में आपस में अच्छे रिलेशनशिप्स होने चाहिए फॉर द कंट्री टू एक्सेस द डेटा इन द अदर कंट्री देन इट आल्सो इंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी लोकल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस एंड लेवलिंग द रेगुलेटरी प्लेइंग फील्ड ठीक है जो रेगुलेटरी प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए सेम होगी जितनी भी ऐप्स हैं चाहे वो बाहर की ऐप्स हैं या वो हमारे देश की यू नो नेटिव ऐप्स हैं सबके लिए रेगुलेटरी प्लेइंग फील्ड लेवल्ड होगी सेम होगी और ऑबियसली इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी है ना सो so, ये कुछ रीजंस हैं Uh, जिसकी वजह से माना जाता है ब्रोकिंग्स रिपोर्ट के द्वारा कि गवर्नमेंट दे वॉन्ट टू लोकलाइज डेटा राइट सो दिस इज़ द ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन यू कैन राइट यू कैन ऑल्सो राइट अदर एग्ज़ैम्पल्स जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल था टर्की में पेपाल को ओवर बोला गया कि अब अपने ऑपरेशन सीज़ uh, कर दो क्योंकि uh, वहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन वर्स लीगलाइज ठीक है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे यू नो द गवर्नमेंट्स आर गोइंग फॉर डेटा लोकलाइजेशन द डिबेट के डेटा लोकलाइज होना चाहिए कि डेटा ग्लोबलाइज्ड होना चाहिए डेटा लोकलाइजेशन वर्सेस डेटा ग्लोबलाइजेशन इज लाइक हॉट दिस डेज एंड यू नो देर इज़ ऑलवेज दिस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस डिबेट कि हमें जो हमारे देश में सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना है कि हमें डेटा को फ्रीली फ्लो होने देना है ताकि डिजिटल इकोनमी जो है उसके हम बेनिफिट्स फुली एक्रू कर सकें सो डिफ़रेंट डिबेट्स हैं जो डेटा लोकलाइजेशन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं यू कैन ऑल्सो मैंशन दो अब uh, पहली चीज़ के क्या इसको ब्लॉक करने से डेटा लोकलाइजेशन प्रमोट होगी उसके ऊपर कुछ इनपुट्स हैं यू कैन एलेबोरेट ऑन देम पहला पॉइंट मैंने ये बताया है कि सेक्शन 69 ए ऑफ आईटी एक्ट के तहत इनको बैन किया गया और गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि मिसयूज ऑफ डेटा था इन ऐप्स के द्वारा एंड इन फैक्ट इट वॉज ऑ वेरी डीप एंड इमिजिएट कंसर्न विच रिक्वायर्ड एमरजेंसी मेजर्स लाइक दैट ऑफ बैनिंग दैन दी अदर थिंग इज़ दैट दी एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन बाई टेक्नोलॉजी कंपनीज

अब इंडिया में जो इंडिया इंडियन यूजर्स का डेटा है वो आउटसाइड द कंट्री ही था एंड दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट जुरिस्टिक्शन सो सिंस नाउ वी हैव बैंड दी एप्स विच आर यू नो विच आर विच वो फॉलोइंग दीज सो वी कैन एक्चुअली सी दैट इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड इट विल प्रोमोट डेटा लोकलाइजेशन अनदर थिंग इज़ दैट डेटा इज़ अ सॉवरिन राइट और हर एक कंट्री का हक है कि वो अपने सिटीजन्स की डेटा को प्रोटेक्ट करें इन फैक्ट जो इंडियन फिनटेक्स हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी uh, वाली कंपनीज uh, हैं वो भी प्रमोट करती हैं बिकॉज उनको लगता है कि डेटा इज़ अ वाइटल असेट एंड इट शुड भी कैप्ट विदिन इंडियन बॉर्डर्स ठीक है और इट विल ऑल्सो इन्श्योर स्टार्टअप इको सिस्टम ए लेवल प्लेइंग फील्ड एंड वी हैव टू इवॉल्व एन आउटलुक सो दैट डेटा लोकलाइजेशन इज प्रमोटेड और जो बाहर से कंपनीज भी आती हैं वो भी इंश्योर करें कि डेटा लोकलाइजेशन ही हो एंड दैट विल आल्सो इंश्योर कि जो हमारा लोकल लोकल इकोसिस्टम है वो भी डेवलप होगा राइट बट दैन देर सर्टन कंसर्नस ऑल्सो सो कंसर्न्स मोस्टली नो में आते हैं कि नहीं ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन नहीं था क्यों पहला रीज़न ये है कि हमने उनको चांस ऑफ हेयरिंग भी नहीं दिया इन कंपनीज़ को सो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस यू नो देर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी एंड इन फैक्ट जो एप्स हैं लाइक टिकटॉक दे हैव क्लेम्ड कि उन्होंने जितने भी डेटा प्रोवेसी और

डोमेन में सो इट्स वेरी यू नो इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट सो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि अगर uh, कोई कंपनी है इवन इफ़ इट इज़ चाइनीज है ना एंड बट इफ़ इट इज़ कैरिंग आउट दी प्रोसेस ऑफ डेटा लोकलाइजेशन और जो भी हमने उनको बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है वो उसको कंप्लाई कर रही है सो so एटलीस्ट उसको एक हेयरिंग का मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए दैन uh, उन्होंने गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करना चाहिए था कि किसको मिस यूज़ माना गया किस को स्टीलिंग ऑफ डेटा माना गया राइट right? और अब दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है उसकी टेक्निकल और फाइनेंशियल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है रादर देन कि वो लोकली स्टोर हो रहा है या आउटसाइड दी बॉर्डर स्टोर हो रहा है अब इमेजिन कि हमने डेटा लोकली स्टोर कर लिया लेकिन जो हमारे क्लाउड्स हैं दे आर नॉट इक्विप्ड है ना वो अच्छे नहीं हैं वहाँ से लीकेजेस हो सकती हैं तो इट इज़ इवन मोर डेंजरस देन स्टोरिंग इट आउटसाइड तो वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनकी टेक्निकल और फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन अब हमने इंडिया में जो डेटा फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक कंपनीज सॉर्ट ऑफ यू कैन सेट कि हमने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोमोट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको मना कर दिया उनको बैन कर दिया सो so, ये दूसरी कंट्रीज़ को भी बोल सकती हैं कि वो भी हाँ, आप भी भाई ऐसा ही करो और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी क्रेडिबिलिटी इंडिया लूज़ करेगा क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडिया हैज़ मूवड बैकवर्ड्स ऑन डैट सो इंडिया में अब कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचेगी है ना कि क्या अभी इन्होंने जैसे चाइनीज के साथ दिया विदाउट गिविंग देम अ हेयरिंग वे हैव डन दिस सो देर आर सर्टेन कंसर्न्स रिलेटेड टू दिस स्टेप ठीक है डेटा लोकलाइजेशन इज अ वेलकम स्टेप बट यू नो डूइंग द वे इट वॉज डन देर आर सर्टेन कंसर्नस रिलेटेड टू दैट फ़ाइनली आप ए फॉरवन में जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसकी बात कर सकते हैं कि उसको पास करो उसको इन्फोर्स करो ताकि जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनको भी एक आइडिया हो कि हमें ये ये फॉलो करना है ताकि डेटा जो है इंडियन यूज़र्स का वो प्रोटेक्टेड रहे है ना ऑल ऑफ दैट सो इंडिया का जो प्राइवेसी लॉ है उसमें भी इम्प्रूव मेंट होगी सो ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो एटलीस्ट ये लॉ तो पास किया जाए और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ब्रोकिंग्स रिपोर्ट की हमने शुरू में भी बात करी उन्होंने भी बताया है कुछ फ्रेमवर्क्स बताए हैं कि कैसे हम डेटा प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं एट द सेम टाइम विद क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर्स हैपनिंग राइट सो दिस टाइप ऑफ कोलाबोरेशन इज इन अर्ली स्टेज़स बट दैट इज़ वॉट वी नीड है ना क्योंकि फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना जरूरी है फॉर ट्रू पोटेंशियल ऑफ डेटा टू बी यूटीलाइज है ना सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी uh, ऑल्सो और दूसरी चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया में अभी जो इंफ्रा है ना जो क्लाउड uh, से रिलेटेड इंफ्रा है वो अभी इनिशियल स्टेज़स में है रिलायबल नहीं है जैसे कि मैंने कंसर्न में भी बोला कि उसकी कैपेसिटी टेक्निकल कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है तेन ओनली वी कैन प्रोसीड विद डेटा पोटेंशियल एंड वी कैन फुली सॉरी डेटा लोकलाइजेशन एंड वी कैन फुली अचीव डेटा लोकलाइजेशन बट वी शुड ऑल्सो नॉट रिस्ट्रिक्ट द फॉरन कंपनीज या हमने उनको बैन ही कर दिया क्योंकि हमें डाउट है आप एक लेजिस्लेशन बनाओ और अगर कोई भी कंपनी उसको फॉलो करती है सो यू शुड वेलकम द इन्वेस्टमेंट दैट कंपनी इज़ मेकिंग वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो टिकटॉक जैसी ऐप्स uh, थी दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर द इंडियंस ओनली राइट अ लॉट ऑफ पीपल वर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सेम ठीक है सो वो सब चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ऐसे निजक रिएक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए सो राइट दैट आल्सो इन योर कंसर्न्स है ना और फे फॉवर्ड में एक पॉजिटिव वे में आप अपने आंसर को एंड कर सकते हो कि हमें ऐसी कोलेबोरेशन लेकर आनी है कि जिसमें हमारा डेटा प्रोटेक्टेड भी है ठीक है सो वी आर इंश्योरिंग दैट ऑल्सो बट एट द सेम टाइम क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो भी होना चाहिए राइट बट ये नहीं है कि हमारी जो डेटा प्राइवेसी है वो ब्रीच uh, हो जाए है ना सो डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत ही यू नो डिबेटेबल टॉपिक है इसके प्रोज भी हैं इसके कॉन्स भी हैं आप इसमें और सोचिए और पॉइंट्स बनाइए एंड यू कैन राइट योर आंसर यू कैन इम्प्रूव अपॉन दिस मॉडल आंसर राइट थैंक यू